वीडियो में मैंने टॉपिक जो शामिल किया है वो है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर मोर देन वन कमोडिटीज़। पिछले अब तक के वीडियोस में हम सिर्फ वन कमोडिटीज़ के ही हम निकाल रहे थे, फिक्स बेस से, चैन बेस से, वन ईयर बेस, एवरेज ईयर बेस। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि एक से अधिक वस्तुओं की सूचना हम यदि हो तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो उसमें दो विधियाँ हैं, यहाँ पर मैंने पहली विधि को कवर किया इस वीडियो में जिसका नाम है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सरल समूही रीति। तो जब भी एक से अधिक वस्तुओं की सूचना हो तो प्रश्न हमको सॉल्व करना है तो हम दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, सरल समूही रीति से या फिर मूल्यानुपात सरल माध्य रीति से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से या फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से। यहाँ चूंकि मैंने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लिया है तो उसका फॉर्मूला जो होगा हमारा P01 का वो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू 100। यानी जितनी भी वस्तुएं हमें दे रखी हैं हम पहले सारी वस्तुओं को जोड़ के उसकी कंबाइंड वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू निकालने के बाद हमारा सिंपल वही फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स बेस वाला जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था। फिक्स बेस का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि सबका टोटल किया है तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा P1 यानी करंट ईयर की वैल्यूज़ का टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर के वैल्यूज़ का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। पर यहाँ हमें ध्यान ही रखना है जब भी क्वेश्चन आपको एक से अधिक वस्तुओं का देखना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो तो हमेशा ईयर्स, जो ईयर्स होंगे आपके वो हमेशा हॉरिजेंटली यानी ऊपर आएंगे आपके, और जो कमोडिटीज़ हैं वो आपकी आएँगी वर्टिकल। क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से ही फ्रेम किया होना चाहिए, ईयर्स हमेशा आपके ऊपर आएंगे हॉरिजेंटल और कमोडिटीज़ इसमें आएंगी आपकी वर्टिकल। यदि क्वेश्चन आपका उल्टा दे रखा है यानी कमोडिटीज़ आपकी हॉरिजेंटल हैं, ईयर्स आपके वर्टिकल हैं, तो पहले क्वेश्चन की हम फ्रेमिंग को चेंज करेंगे, ईयर्स को हम लेके आएंगे हॉरिजेंटल, कमोडिटीज़ को लेके आएंगे वर्टिकल। उस तरह से अरेंज करने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ तो हमें पहले से ही सही सॉल्व करके सेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी तीन कमोडिटीज़ हैं ए बी एंड सी। ईयर्स दे रखे हैं आपको 2014, 2015, 16, 17 और 18 की यहाँ पे हमें सूचना दे रखी है। फाइव, 12 एंड 16 एंड 18, 6, 10 एंड 24। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें 2014 को बेस मानना है। अब यहाँ पे कह रखा है 2014 बेस है, यदि किसी प्रश्न में सूचना नहीं दे रखी होगी किसको बेस मानना है तो हमेशा हमें फर्स्ट ईयर को ही बेस मानते हुए सूचकांकों का निर्धारण करना है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि किस ईयर को बेस मानना है। यदि हमारा फिक्स बेस मेथड की विधि है और बेस ईयर की सूचना नहीं है तो हम फर्स्ट ईयर को बेस मानते हुए सूचकांकों का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे 2014 यानी ये हमारा बेस ईयर है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस ईयर। तो सिंपल एग्रीगेटिव में सबसे पहले आप सबका टोटल कर लेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा सिग्मा पी। ये जो प्राइस दे रखे हैं हमें सारे, ये सब सारी सूचना हमें प्राइस की है, तो ये जो सारे प्राइस हैं इनको जब हम टोटल कर लेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा सिग्मा पी। तो जैसे फर्स्ट का टोटल हमारा आ रहा है 20, 2015 का टोटल आ जाएगा हमारा 30, 16 का आ जाएगा हमारा 33, देन 35 और 40। इसमें बेस मानना है आपको 2014 में, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी P0 की, यहाँ पे P0 हो जाएगा हमारा 20। अब आपको P01 निकालना है, तो P01 का फॉर्मूला हमने देखा था अभी, यहाँ पे P01 फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा P1 यानी करंट ईयर की वैल्यूज़ का टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यूज़ का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फर्स्ट में तो चूंकि प्रीवियस ईयर भी यही वैल्यू होती है तो फर्स्ट तो सिंपल निकल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 यानी फर्स्ट आंसर तो हमेशा हमारा 100 ही आता है। जिसको हम बेस मानते हैं उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 100 ही आती है। यहाँ पे करंट ईयर की वैल्यू है 30, बेस ईयर की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 150। थर्ड ईयर में हम सॉल्व करेंगे तो 33 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये निकल जाएगा हमारा 165। 35 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये निकल जाएगा हमारा 175। और लास्ट 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये निकल जाएगा हमारा 200। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का जब हमें एक से अधिक वस्तुएं देखी हैं और हमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से सॉल्व करना है। मैं फिर एक बार वापस से ब्रीफ कर देती हूँ।
जब भी एक से अधिक वस्तुओं की सूचना हो और आपको सिंपल एग्रीगेटिव से सॉल्व करना हो तो पहले सारी वस्तुओं को जोड़ के उसका हम निकाल लेंगे टोटल, टोटल निकाल लेंगे। फिर जिसको बेस माना है उसका टोटल हमारा हो जाएगा पी ज़ीरो, और उस टोटल वैल्यू से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी ज़ीरो इंटू 100 से। आज के लिए इतना ही।